प्रैक्टिकल हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियो रेगुलरिटी चल रही है उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल है तो हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यहाँ पे है कि जो वोल्टेज खपत हो रही है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार उस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो समझने का मतलब यहाँ पे है कि जैसा हम सर्किट बनाएंगे उस सर्किट के अनुसार ही क्या करेंगे हम कनेक्शन करेंगे, और उसको सर्किट के अनुसार कनेक्शन करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे मेजर करेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर और जो लैंप सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वोल्टेज खपत हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो एमीटर होना चाहिए, ठीक है, और ये हमारे पास वोल्टमीटर है और ये हमारे पास लैंप होल्डर और लैंप है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमारे पास सामान की अवेलेबल है तो वो चीजें हमारे पास कंप्लीट है, और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं और एक वन वे स्विच की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वन वे स्विच का हमारे पास ये जो पीछे का जो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स आप लोगों को पहले बता दिया गया था, आज फिर से बता देता हूँ, तो किसके बने हुए होते हैं पीतल, ठीक है। और वन वे स्विच का मतलब यहाँ पे जो वन वे का काम करेगा सप्लाई को ऑन ऑफ करने का काम करता है, यानी मास्टर स्विच हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मीटर्स है जो है हमारे पास मूविंग आयरन वाले, जो ये चीजें आप लोगों को एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं। ये मूविंग आयरन है, ठीक है ना, ये वोल्टमीटर है और ये हमारे पास एमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम को समझते हैं। सर्किट डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास ये है कि जैसे वन वे स्विच हम बनाते हैं, यहाँ पे ये वन वे स्विच हमने बनाया, इस वन वे स्विच के अंदर हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल्स होते हैं, उस दोनों टर्मिनल्स को हम क्या करेंगे फेस और न्यूट्रल देंगे, ठीक है भाई। यहां से हमारे पास सप्लाई के दोनों तार हमारे पास निकल के आ गए और ये हमारे पास यहां से निकले, ठीक है। तो देखिए यहां से हम बात यहां पे करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमीटर और वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो एमीटर हमेशा किस क्रम में होता है, लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है ना, ये लाइन के श्रेणी क्रम में हमने क्या लगा दिया, एक एमीटर लगाया, ठीक है। लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद में हमारे पास वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में, ठीक है, और ये हमने समांतर क्रम में क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में इसी के समांतर क्रम में हम क्या लगाएंगे, इस लाइन के श्रेणी क्रम में एक हमारे पास लैंप होल्डर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लैंप बन गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कंप्लीट और यहां से हमारे पास इस प्रकार से काम करेगा। तो देखिए दोस्तों हम इसी प्रकार से, ये हमारे पास एमीटर है और ये हमारे पास वोल्टमीटर है और ये हमारे पास लैंप है, ठीक है। तो इनको जैसा हमने सर्किट बनाया, ये वन वे स्विच है, ठीक है, ये हमारे पास फेस है और ये हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसा हमने सर्किट बनाया है उस सर्किट के अनुसार हम क्या करेंगे इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सर्किट को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और सर्किट समझा है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कनेक्शन करते हैं, और उसके बाद में उसको सप्लाई देकर हम चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वन वे स्विच होना चाहिए, वन वे स्विच हमारे पास ये रहा, ठीक है। उस वन वे स्विच को हमारे पास ऑन ऑफ कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक तार लगाते हैं, कौन सा, जो हमारे पास कौन सा होगा, जो एमीटर से सीधा कनेक्टेड किया जाएगा उसको, ठीक है। और यहां से हमने इसको कनेक्शन कर दिया इसका, और कनेक्शन करने के बाद में इसको हम अच्छे तरीके से कर देंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि कनेक्शन जिस टाइम करते समय कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहेंगे तो कनेक्शन जो सप्लाई है वो क्या होगी, स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग की कंडीशन में वो तार क्या हो जाएगा, वहां से टूट जाएगा। ये हमने लगा दिया, अब देखिए यहां से हमने लगाया है, तो अब लगाने के बाद में हमारे पास एमीटर लेंगे, ये हमारे पास एमीटर है, ठीक है। एमीटर के हम एक सिरे को क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे और जोड़ेंगे, यहां से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद में देखिए, अब इसके बाद में जो वोल्टमीटर होगा, वोल्टमीटर कहां जुड़ेगा, ये वोल्टमीटर रहा, ठीक है। अब देखना वोल्टमीटर का जो हमारे पास है जो सिरा, पहला सिरा है किस में जुड़ना चाहिए, एमीटर में जुड़ना चाहिए ना, तो एमीटर में हम क्या कर देंगे, इसको यहां से लगा देंगे। जैसा हमने सर्किट बनाया है ना, सर्किट के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कर रहे हैं।
अगर आप लोग सर्किट सही तरीके से बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहां से हमने एमीटर का दूसरा सिरा यहां से और वोल्टमीटर का पहला सिरे से कनेक्ट कर दिया गया, और करने के बाद में अब यहां से हमारे पास होगा कि जो लैंप है उस लैंप का सिरा, यानी कि लैंप का एक सिरा हम जोड़ेंगे, लैंप का एक सिरा हमारे पास ये है, तो लैंप का यहीं से कनेक्ट कर दे इसको, ये यहां से इसको हम एक साथ दोनों को कनेक्ट करते हैं और ये दोनों कनेक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए हो गए कंप्लीट। अब देखिए यहां से हमारे पास लैंप का भी निकल गया और लैंप का जो दूसरा सिरा है, लैंप का दूसरा सिरा हमारे पास कहां से मिलेगा, वोल्टमीटर का दूसरे सिरे पे जाएगा, जाएगा ना, तो दूसरा सिरा हमारे पास ये है, तो यहां से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहां से वोल्टमीटर से हम दूसरा तार निकाल के लेके जाएंगे और कहां देंगे, स्विच में देंगे, देंगे ना, तो हमारे पास ये तार हमारे पास यहां से कनेक्ट सीधा करेंगे हम, यानी कि वोल्टमीटर से निकल रहा है, तो वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ गया यहां पे, और ये तार हमारे पास निकल गया, कहां से देंगे इसको, चेंजिंग किया है हमने, यहां पे स्विच लगाया इसको, डायरेक्ट यहां पे सप्लाई दी है। ठीक है, तो यहां से सप्लाई देने के बाद में हमारे पास ये तार हमारे पास डायरेक्ट निकलेगा, जैसे हमारे पास ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, और आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। ठीक है, और वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रकार के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप का है, तो यानी कि रेजिस्टेंस ये जो हमने लगा रखा है, लैंप लगा रखा है, ये आरएल मान लो आप, इसको लोड रेजिस्टेंस मान लो आप, जितना लैंप ले रहा है वो क्या करेगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो इस ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी प्रकार से ये लोड के रूप में इसको मेजर किया जाएगा। तो देखिए जैसा हमने कनेक्शन जैसा सर्किट किया था उसी सर्किट की पहले थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सप्लाई दे दी थी। ठीक है ना, अब क्या किया है कि पहले टर्मिनल को हमने क्या किया है, ऊपर वाले एमीटर से कनेक्टेड किया है, दूसरे वाले एमीटर का दूसरा सिरा है वोल्टमीटर में लेके गए। ठीक है, उसी प्रकार से एक लैंप का हमने आरएल का जोड़ दिया है, दूसरे का हमने इस टर्मिनल जो समांतर में लगाना है इसको वोल्टमीटर को। ठीक है, तो एक डायरेक्ट हमने तार को कंप्लीट कर लिया है, तो दो तार हमारे पास निकल के आए। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सीरीज चेक करते हैं कि हमारा सर्किट सही है या गलत है। तो सीरीज को चेक करने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले सीरीज को हम चेक कर लेते हैं, क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। ठीक है, दोनों टर्मिनल सर्किट हमारे पास पूरा कंप्लीट है, और अब डायरेक्ट इसको सप्लाई देके हम चेक करते हैं। तो डायरेक्ट सप्लाई दोगे तो भी काम करेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये मीटर क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, देखिए हमने क्या लगा दिया, सर्किट लगा दिया, और सर्किट पे लगाने के बाद में ये स्विच हमारे पास है कंट्रोल। ठीक है, इसको मास्टर स्विच बोलते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देखिए यहाँ से आरएल हमने लगा रखा है, आपके पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, एमीटर हमारे पास शो नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये लैंप है ज़्यादा वाट का नहीं है, 200 वाट का है, तो इस वजह से हमारे पास एम्पियर कम ले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा प्रैक्टिकल था आज का, वोल्टेज ड्रॉप का, यानी कि जो हमारे पास किरचॉफ का जो नियम होता है उसके अनुसार भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ओम का नियम है, उस ओम के नियम के अनुसार भी क्या कर सकते हैं इसको काम का। ये प्रैक्टिकल था वोल्टेज ड्रॉप वाला, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मतलब यहाँ पे है कि अपने यार दोस्तों को घर बैठे अपने वीडियो प्रोवाइड। धन्यवाद।